Hello students, this video is the continuation of my previous video, Curriculum Reforms in Science Education Part 1. Previous video में हम curriculum का परिभाषा, reforms का अर्थ और National Curriculum Framework 2005 के द्वारा दिया गया Science Curriculum Validity का चर्चा किए थे. इस वीडियो में पाठ्यचर्या के डिज़ाइन के बारे में और पाठ्यचर्या को सुधारने के लिए जो सुझाव दिया गया है उनके बारे में जानेंगे. फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ करिकुलम डिज़ाइन. अ करिकुलम डिज़ाइन इज़ द डिलिबरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम विद इन अ कोर्स और क्लासरूम. जो पाठ्यचर्या उद्देश्यपूर्वक जानबूझकर और व्यवस्थित संगठन का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पाठ्यचर्या डिज़ाइन कहते हैं. पाठ्यचर्या डिज़ाइन के आधार पर शिक्षक अपने अप्रोचेस और मेथड्स को चूज करते हैं. बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन और विषय केंद्रित पाठ्यचर्या डिज़ाइन. इस डिज़ाइन किसी विशेष विषय के ओर केंद्रित होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर विषय जैसा गणित या जीव विज्ञान पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. इस डिज़ाइन की प्राथमिक कमी यह है कि यह छात्र केंद्रित नहीं है. दिस इज़ नॉट स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इट इज़ लेस कंसर्न्ड विथ इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स. दिस डिज़ाइन इज मोस्टली अप्लीकेबल टू हायर एजुकेशन लेवल्स लाइक इन यूनिवर्सिटीज. सेकेंड टाइप ऑफ डिज़ाइन इज लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या डिज़ाइन. इस डिज़ाइन प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों, हितों और लक्ष्यों को ध्यान में रखता है. दैट इज़ इट एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म बट आर इंडिविजुअल्स. इस डिज़ाइन में निर्देशक योजनाएं अलग अलग हैं जिसमें छात्रों को असाइनमेंट्स, सीखने के अनुभव या गतिविधियों का चयन करने का मौका मिलता है. This form of curriculum design has shown to engage and motivate students. The third type of curriculum design is problem-centered design or समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या डिज़ाइन. यह पाठ्यक्रम छात्रों को यह सीख देती है कि समस्या को कैसे देखें और समस्या के समाधान को कैसे खोजें. Therefore, this design has shown to increase the relevance of the curriculum and encourages creativity, innovation, and collaboration in the classroom. Now we shall look into different reforms brought about by NCF to change the existing curriculum design. First is pedagogical shift. Pedagogy or Shiksha Shastra, शिक्षण क्षेत्र का एक विस्तृत क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम शिक्षण विधियों का अवलोकन करते हैं. NCF 2005 शिक्षा शास्त्र में बहुत सारे सुझाव की सिफारिशें की है. अकॉर्डिंग टू NCF 2005 नॉलेज हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स एंड टीचर्स हैव टू प्लान लर्निंग एक्टिविटीज़ टू फैसिलिटेट, guide and support learners to construct knowledge. Therefore, teaching-centered classrooms are to be shifted to learner-centered classrooms. NCF 2005 के अनुसार बच्चों के प्रति दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है और सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं. देयरफॉर रचनात्मक पद्धति या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज एम्फसाइज्ड बाय NCF 2005. शिक्षा बिना भोज के रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन was considered for designing the syllabus. बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई है जो शिक्षार्थियों को समस्या निवारण कौशल,
जिज्ञासा आदि को विकसित करने के सक्षम बनाएगा. द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप स्किल्स इन प्रोसेस ऑफ साइंस रादर दैन ऑन कंटेंट ऑफ साइंस. NCF 2005 recommends different approaches and strategies for transaction of the curricular content to learners, like constructivist approach or Rachanatmak Drishtikon, 5E learning model, which includes steps like engaging, exploring, explaining, elaborating, and evaluating. Collaborative learning approach और सहयोगी शिक्षण विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और समस्या हल विधि, कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रायोगिक ज्ञान और इंक्वायरी अप्रोच एट्सेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन साइंस और विज्ञान शिक्षण सामग्री, जो शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में जाना जाता है. TLMs आर एनी कलेक्शन ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दैट अ टीचर मे यूज इन टीचिंग एंड लर्निंग. यह सामग्री जीवित या निर्जीव वस्तुएँ हो सकते हैं और ह्यूमन या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जिसे शिक्षक शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं, जिससे शिक्षण को प्राप्त करने में मदद कर सकें. पाठ्य पुस्तकें और टेक्स्ट बुक्स ऐसी एक सामग्री हैं जो ज्ञान निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स के रूप में कार्य करते हैं. Therefore, they should not be loaded with only facts and information, but actively engage learners in learning process and construction of knowledge. पाठ्य पुस्तकों में तथ्यात्मक जानकारी के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सीखने की प्रक्रियाओं और ज्ञान निर्माण में संलग्न करना चाहिए. पाठ्य पुस्तकों में विविध शिक्षण गतिविधियों को शामिल करना चाहिए. डाइवर्स लर्निंग एक्टिविटीज हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन टेक्स्ट बुक्स. पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स, स्टेट एंड नेशनल एजेंसीज शुड बी एंश्योर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स. शिक्षण सामग्री के रूप में सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही नहीं, बल्कि बहुत तरह के शिक्षण अधिगम सामग्री को उपयोग करने की जरूरी है, जो बच्चे को एक्टिव लर्निंग दे सके. इसलिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर बड़ी संख्या में TLM पैकेजेस विकसित किए जाने चाहिए, सो दैट दे आर प्रोवाइडेड एट क्लस्टर एंड स्कूल लेवल्स. एक्सटेंसिव ICT resources and e-learning materials also have to be included in teaching learning process. Now we will try to understand how these curricular reforms are framed and developed at national level. स्वतंत्रता के बाद हमारे constitution या संविधान ने वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और spirit of inquiry के आधार पर समाज को स्थापना के लक्ष्यों को अपनाया. आर्टिकल 51A(h) में निहित है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह समाज में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाए और प्रचारित करें. इन फैक्ट इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज एडॉप्टेड सच ऑब्लिगेशन इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. In 1956, secondary science teaching seminar was held for first time at Tara Devi in Shimla Hills. The aims and objectives of teaching science recommended by the committee are to familiarize the pupil with the world in which he lives
and to make understand the impact of science on society. बच्चे को अपनी दुनिया से परिचित करना है जिसमें वह रहते हैं और समाज पर विज्ञान के प्रभाव समझाना है. बच्चों को वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मेथड से परिचित करना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाना है. द थर्ड ऑब्जेक्टिव वॉज टू गिव द पीपल अ हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव सो दैट ही मे अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट. इन 1961 इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स फेसिंग इन इंडियन स्कूल सिस्टम. उस दौरान विज्ञान शिक्षा नीतियों के बारे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच के संबंध और विभिन्न राज्य के स्कूल्स में शैक्षिक प्रणाली के तहत पाठ्यक्रमों की खोज किया गया था. In 1964-66, Indian Education Commission, commonly called Kothari Commission, recommended the following measures for the improvement of science education. School शिक्षा के पहले 10 वर्षों में science और mathematics को अनिवार्य बनाना चाहिए. शिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में agriculture और शहरी क्षेत्रों में technology से संबंधित करना चाहिए. प्राइमरी क्लासेस में विज्ञान को पर्यावरण के साथ सहसंबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए. हायर क्लासेस में डिसिप्लिनरी अप्रोच लागू किया जाना चाहिए. इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच इज़ टू बी एडवोकेटेड. लोअर क्लासेस में साइंस कॉर्नर्स और हायर क्लासेस में लैबोरेटरी कम लेक्चर रूम्स बनाया जाना चाहिए. इन 1968 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन has given the following recommendations. Spirit of inquiry, srujanatmakata, objectivity, aesthetic sensibility ko vikasit karne ke liye vigyan ki shiksha ko majboot kiya jayega. Problem solving and decision making skills ko prapt karne ke liye aur health, agriculture, industry and other aspects of daily life se vigyan ke संबंधों की खोज करने में सक्षम बनाने के लिए विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों को डिज़ाइन किया जाएगा. इन 1972 होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम सजेस्टेड द फॉलोइंग चेंजेस इन साइंस टीचिंग. साइंस टीचर्स एजुकेटर्स एंड सिविल सोसाइटी एज अ होल हैव टू थिंक बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू रीस्टार्ट एंड डेवलप अ पैराडिग्म in science education. Innovative concepts like discovery method and inquiry methods were suggested for science teaching. In 1975, National Curriculum Framework recommended 10+2 pattern of school education with general education of 10 years. और कक्षा 10 तक विज्ञान एक कोर सब्जेक्ट होगा और एक्टिविटी बेस्ड इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होगा. नेशनल करिकुलम For elementary and secondary education, 1988 also suggested general science as core subject till class 10. इस विषय पर भी फोकस किया गया था कि विज्ञान पाठ्यक्रम शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए जिसका उद्देश्य बच्चों के कॉग्निटिव एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स का विकास हो. 1975 में एक और NCF डेवलप किया गया था. 1977 में ईश्वर भाई पटेल कमिटी को अपॉइंट किया गया था परिस्थिति को रिव्यू करने के लिए. 1986 एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर 1988 में भी NCF डेवलप किया गया था और उसको रिवाइज किया गया था NCF 2000 में. अगेन NCF 2005 वॉज डेवलप्ड विच वॉज पुट इन टू प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री. NCF 5 के आधार पर कई राज्य सरकारों ने स्टेट वाइज पाठ्यक्रम तैयार किया और उसकी अनुसरण आज तक किया जा रहा है. फाइनली वी कैन से दैट एम्स ऑफ साइंस
curriculum across the cultures have been to develop or help students to develop informed and enriching understanding of science and promote science learning as joyous experience that promote critical and creative thinking through various innovative methods like learning by doing, learning by inquiry method and discovery method. In my next video, we will discuss NCF 2005 in detail concerned with the curricular reforms in science. Thank you.